तो व्हाट्सअप गाइस, मैं नाम से कदर, आप देख रहे हैं स्पेसिफिक नॉलेज। गाइस आज की वीडियो में आपको कुछ क्विक फैक्ट्स बताने वाला हूँ अबाउट स्नेक। बचपन में हम लोग बहुत सुने हैं कि स्नेक के बाद हाथ पैर नहीं होते, वो रेंगते हैं, काट लेंगे तो मर जाएंगे। बट आज के वीडियो में आपको कुछ यूनिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ अबाउट स्नेक। दोस्तों अगर तुम भी उन यूनिक फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आज की वीडियो जल्दी शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस आज की वीडियो हम लोग जल्दी शुरू कर लेते हैं। एंड सॉरी मैं दो महीने से नॉलेजेबल कंटेंट नहीं दिया, बिकॉज गाइस मुझे वाइन वीडियो देने का बहुत मन था एंड मेरे फ्रेंड्स भी रेडी थे तो दे दिए। अब हम लोग थोड़ा नॉलेजेबल कंटेंट लेंगे। एंड माफ़ कीजिएगा कि जो सेकंड वाइन वीडियो होगी आई थिंक इट कैन गेट कैंसिल, बिकॉज अभी तक उसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई है एंड वो उसका दिन जो है बहुत करीब आ गया है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन गाइस, आपको अगर पता नहीं तो किंग कोबरा सबसे स्लो जहर रखने वाले स्नेक्स में होता है। बट आप जानते हो कि उसको सबसे वेनमस स्नेक बोला जाता है। क्यों? रीज़न है कि किंग कोबरा सबसे ज़्यादा जहरीला सांप इसलिए है क्योंकि उसके जो ग्लैंड्स है, वेनम ग्लैंड्स है, उनमें सबसे ज़्यादा जहर स्टोर होता है। मतलब स्लो जहर है बट इतना ज़्यादा वो इंजेक्ट कर देता है कि जो आगे वाला है वो डायरेक्ट मर जाता है। लाइक एक फुल्ली ग्रोन एशियन एलिफेंट पे अगर वो अपना पूरा न्यूरोटॉक्सिक वेनम डाल दे तो जो वो फुल्ली ग्रोन एशियन एलिफेंट है वो जस्ट एक घंटे में मर जाएगा। एक इंसान को 15 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। तो गाइस अगला फैक्ट जानते हो कि जो एनाकोंडा एंड जो हमारा रेटिकुलेटेड पाइथन है, इसमें लोगों का डाउट रहता है कि रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे लॉन्गेस्ट है या सबसे लार्जेस्ट है। बहुत लोग बोलते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे लार्जेस्ट है, कोई बोलता है ग्रीन एनाकोंडा सबसे लार्जेस्ट है। तो गाइस ये ऐसा बात है ना, तुम लोग को मैं सिंपल बता देता हूँ, रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे लंबा सांप है 10 मीटर का, इट इज द लॉन्गेस्ट नेक। बट जो एनाकोंडा होता है, ग्रीन एनाकोंडा होता है, वो सबसे लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट का मतलब कि लंबा भी है एंड भारी भी है। एंड सबसे हैवीएस्ट नेक भी ग्रीन एनाकोंडा है, ये है ग्रीन एनाकोंडा एक लार्जेस्ट एंड रेड कलेक्टेड पैटर्न लॉन्गेस्ट। ये याद रखिएगा, काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बहुत बार लड़ भी लेते हैं। तो गाइस आपको अगर पता होगा कि सांप काटने पे तो वेनम डालता है, ये बहुत ही एक इतना कॉमन फैक्ट है कि 2-4 साल के बच्चे भी जानते होंगे। बट बहुत लोग ये नहीं जानते कि वेनम के भी टाइप होते हैं। देखिए इसके बहुत टाइप्स होते हैं और सब लोग अलग अलग तरीके से किल करते हैं। जैसे कोबरा जो होता है ना, कोबरा, मांबा, इन सारे स्नेक्स में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू मार देता है। फिर हेमोटॉक्सिक वेनम वाइपर्स में नॉर्मली मिलता है। वाइपर्स में जो ये हेमोटॉक्सिक होता है, ये क्या करता है कि आपके ब्लड को क्लॉट करने ही नहीं देगा या तो ब्लड क्लॉट करता जाएगा। दो तरीके से मारता है, या तो ब्लड बहुत ज़्यादा जम जाएगा या तो हो सकता है कि ब्लड जमेगा ही नहीं। तो ये दो तरह से हेमोटॉक्सिक मारता है। तीसरा होता है मायोटॉक्सिन्स, जो आपका जो टिश्यूज होता है उसको मार देता है। एंड इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने अभी आपको 3 टाइप्स बता दिए हैं। बोलिए तो मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे टॉपिक नहीं मिल रहा इसलिए मैं बोल दिया। एंड अब हो गया एक लास्ट फैक्ट जो मैं आपको स्नेक्स पे बताऊंगा, एंड ये है लार्जेस्ट स्नेक टाइटेना बोआ, लार्जेस्ट स्नेक एवर फाउंड। ये साउथ अमेरिका में मिलता है आई थिंक, तो मुझे ठीक से याद नहीं कहाँ मिलता है, जंगलों में नॉर्मली मिलता है, डेंस फॉरेस्ट में मिलता था। ये बहुत पुराना बात है, 50 मिलियन ईयर्स अगर का बात होगा शायद। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्नेक था, विथ मोर देन 1 टन ऑफ वेट एंड आई थिंक इसकी लंबाई कुछ 20 फीट या मोर देन 20 फीट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये था सबसे लार्जेस्ट स्नेक मतलब एवर लिव्ड। एंड एक और है जो नंबर 2 पे आता है, वो है जाइगेंटोबोआ। जाइगेंटोबोआ एंड टाइटेनोबोआ दोनों जो है एनाकोंडास के ही एक तरह से बोल सकते हैं रिलेटिव है, अब नहीं रहे वो, मैं क्या कर सकता। तो गाइस ये थी हमारी बहुत 2 महीने बाद आई एक नॉलेजेबल वीडियो। पसंद आई है और ऐसी वीडियोस और नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा दो तो ऐसी और वीडियोस मिल जाएगी। आई नो ये थोड़ा छोटा वीडियो बना है बट माफ़ करना, मुझे थोड़ा जल्दी देना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई का काम है, वो सब करने के चक्कर में वीडियो को मुझे थोड़ा कम वक्त देना पड़ रहा है।
तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाओ एंड स्नेक फैक्ट्स को शेयर करो भाई, सबको बताओ कि स्नेक्स के बारे में ये सब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो रिकॉल चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन शेयर कर दो एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक ले साइन आउट, टाटा बिरला मानी, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए।